आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जहां से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। हम ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्ट है क्या, और साथ ही में हम जो फंक्शंस है ट्रेडमार्क के उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए, ट्रेडमार्क क्या है उसे हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में समझा। आई होप कि ट्रेडमार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर एग्जाम में ट्रेडमार्क डिफाइन करने के लिए आता है तो आप ट्रेडमार्क को डिफाइन करते समय ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और फिर ट्रेडमार्क के कुछ एसेंशियल फंक्शंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। आइए समझते हैं। देखो, हमारे ट्रेडमार्क एक्ट 99 का जो सेक्शन 2ZB है वो ट्रेडमार्क को डिफाइन करता है। देखो, ये जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ आईपीआर हैं, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, इनमें जो क्रिएटर है, जो इन्वेंटर है, उसे जो प्रोटेक्शन मिलता है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही मिलता है। जैसे पेटेंट में पेटेंटी को या पेटेंट होल्डर को उसके इन्वेंशन, इनोवेशन, प्रोसेस या कॉन्सेप्ट को केवल एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी उसके इन्वेंशन के रिगार्ड में जो एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही मिलता है। और जनरली जो पेटेंटेड पीरियड होता है वो 15 से 20 सालों का होता है। सेम चीज़ कॉपीराइट और डिज़ाइन में भी होता है, लेकिन एक बार जब आप एक यूनिक डिज़ाइन, सिंबल, लेटर या फ्रेज या लोगो को ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत रजिस्टर्ड करा लेते हो, तो जिस स्पेसिफिक मार्क को, जिस यूनिक मार्क को आप ट्रेडमार्क एक्ट 99 में रजिस्टर्ड कराते हो तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है। राइट, आज का जो हमारा एक्ट है ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसने पहले के ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 को रिप्लेस किया। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा जो ट्रेडमार्क एक्ट है 1999, वो पहले क्या था, ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट था 1958, एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 फोर्स में कब आता है? ये फोर्स में आया 15 सितंबर 2003 को। तो हमारा जो इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट है वो फोर्स में कब आया? 15 सितंबर 2003 को। एक्ट बना कब? 1999 में। फोर्स में कब आया? 2003 में। ट्रेडमार्क रूल्स 2002 में फ्रेम किए गए, और ये जो ट्रेडमार्क रूल्स बनाए गए वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत बनाए गए।
तो याद रखना, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का है, इसने ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 को रिप्लेस किया, फोर्स में आया 15 सितंबर 2003 को और ट्रेडमार्क रूल्स बनाए गए 2002 में, जो इसी पर्टिकुलर एक्ट में इनैक्ट किए गए, इंश्योर्ड किए गए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ट्रेडमार्क इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ अ बिजनेसमैन और अ ट्रेडर। तो ट्रेडमार्क क्या है? एक बिजनेसमैन का, एक ट्रेडर का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि ये उसके प्रोडक्ट को एक नया पहचान दिलाता है। प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट का गुडविल क्रिएट करता है मार्केट में, एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करता है, राइट? तो ये क्या है? ये एक वैल्यूएबल एसेट है एक बिजनेसमैन का, एक ट्रेडर का। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क के क्या क्या फंक्शंस हैं, आइए डिटेल में समझते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, और अगर मैं ये सब देखूंगा तो वीडियो नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो थोड़ा एडजस्ट करो। चलिए, तो वैसे तो ट्रेडमार्क के कई सारे फंक्शंस हैं, लेकिन अगर हम कुछ मेजर फंक्शंस को देखें तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन की जो प्रोडक्ट है वो किस प्रोड्यूसर का है, उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। दूसरा, ब्रांड एश्योरेंस। तीसरा, एडवर्टाइजमेंट। और चौथा, एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। आइए इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, ये जो ट्रेडमार्क है ये अपने आप में प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को मार्केट में आइडेंटिफाई कराने का काम करता है और कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कराने का काम करता है, डिफरेंशिएट कराने का काम करता है, एक अलग पहचान दिलाता है। ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज गुड्स और सर्विसेज विथ विच इट इज एसोसिएटेड एंड देयर ओरिजिन, राइट? तो ट्रेडमार्क बेसिकली हमें ये बताता है कि ये जो गुड्स हैं, ये जो सर्विसेज हैं, वो किस कंपनी के हैं और इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। जैसे अब सर्विसेज में भी ट्रेडमार्क होते हैं, जैसे बैंक्स क्या करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमें फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। SBI क्या है? एक बैंक है, एक पब्लिकली ओन्ड बैंक है। तो SBI का सिंबल क्या है? कुछ इस तरह से है शायद, ठीक है? पंजाब बैंक का कुछ ऐसे है। तो सर्विसेज के भी रिस्पेक्ट में ट्रेडमार्क ये डिनोट करते हैं कि अब जैसे LIC का अपना सर्विस है और एक फ्रेज भी है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई कराना और वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, वो किस ओरिजिन से एसोसिएटेड हैं, ये बताने का काम करता है ट्रेडमार्क।
दूसरा क्या है, ब्रांड एश्योरेंस, इट सर्व्स एज ब्रांड एश्योरेंस ऑफ नेचर क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स, ट्रेडमार्क गारंटीज इट्स क्वालिटीज। तो हमने डोम्स के एग्जाम्पल से समझा था। तो ट्रेडमार्क क्या करता है, क्वालिटी एश्योरेंस को इंश्योर करता है, बताता है। तीसरा एडवर्टाइजमेंट, ट्रेडमार्क एडवर्टाइजेज द प्रोडक्ट, राइट। तो बेसिकली ये जो मार्क है वो एडवर्टाइजमेंट का भी काम कराता है। कंज्यूमर्स को पता होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इस कंपनी का है, इस कंपनी का ये जो फीचर है वो बहुत अच्छा है, तो एडवर्टाइजमेंट का काम कराता है। और क्या है, एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, एक है ब्रांड एश्योरेंस और दूसरा एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। ट्रेडमार्क इज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट द सेम शैल बी ट्रेसेबल टू द मार्क। तो अगर मार्क ही ना हो तो आप कैसे पता कर पाओगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर का है, एंड एज ए रिजल्ट इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट आप कंप्लेंट भी रेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जानना होगा पहले कि जिस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हो वो किस कंपनी का है, ठीक है। तो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क। अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को समझना चाहते हो, तो ऑलरेडी दो वीडियोस पड़े हुए हैं, उन्हें देख सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।